दोस्तों, अगर आप अपने पैन कार्ड से आधार लिंक नहीं किया है तो अब इस काम को जल्दी कर ले, क्योंकि दोस्तों पैन कार्ड से आधार लिंक करने की लास्ट डेट पहले 31 मार्च थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप पैन कार्ड से आधार लिंक नहीं करते हो तो आपको इस तरह की परेशानियाँ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट नंबर 1, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। दोस्तों, अमान्य का मतलब है कि इसे ऐसे लिया जाएगा जैसे पहले ही आपके पास था ही नहीं। पॉइंट नंबर 3, आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर किसी व्यक्ति के पास एक्टिव पैन कार्ड नहीं है तो बैंक आपकी आय पर 20% की दर से TDS काटेगा। दोस्तों, यही नहीं, आपको आगे चल के कई तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, पैन कार्ड से आधार लिंक कैसे करना है, इस पे मैंने एक कम्प्लीट वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने बताया है कि पैन कार्ड से आधार लिंक कैसे करना है और पहले से लिंक है या नहीं कैसे चेक करना है, या लिंक किया है आपने तो लिंक हुआ कि नहीं इसकी स्टेटस कैसे चेक करनी है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो पैन कार्ड से आधार लिंक कर ले रहे हैं लेकिन उसकी स्टेटस चेक नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपने एक बार लिंक किया और वह लिंक हो गया, क्योंकि दोस्तों उसमें बहुत सारी चीजें मैच करानी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड में सेम नेम और सेम डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में आपके पैन कार्ड से आधार लिंक नहीं होगा। और दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में पैन कार्ड से आधार लिंक कैसे करना है, ये जानकारी मैंने उस वीडियो में बताई है जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप इस वीडियो के लास्ट में जाएंगे तो आपको वो वीडियो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, जिसके बाद आपको सिंपली उस पे क्लिक करना है, देन वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, जिसे देखने के बाद आपको पैन कार्ड से आधार लिंक करने से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।